रहते हैं ये अपने परिवार से दूर ताकि हम अपनों के साथ त्योहार मना सके। काटते हैं न जाने कितनी रातें, न खाए न सोए ताकि हम चैन की नींद सो सके। चाहे हो जला देने वाली गर्मी या जमा देने वाली सर्दी, यह है तैनात सीना ताने हमें दुश्मन की बुरे साए से बचाने। सिर पर कफन बांधे दुश्मनों की रूह को राख करते हैं, वक्त आने पर देश के लिए कुर्बान होने की हिम्मत रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे निडर स्वाभिमानी और सच्चे देशभक्त हमारी भारतीय सेना के बारे में। चाहे वो सियाचिन की सर्दी हो या जैसलमेर की गर्मी, बिना किसी शिकायत के हर दिन हर पल हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है हमारे जवान। इस 26 जनवरी नजर डालते हैं कुछ ऐसी ही जावास कहानियों पर जो हमारी इंडियन आर्मी की वीरता की गवाही देते हैं। साल 1947 अक्टूबर का महीना, यानी स्वतंत्रता के मात्र दो ही महीने बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर पहली जंग छिड़ गई। पाकिस्तानी सेना कश्मीर का एक बड़ा अंश पार कर श्रीनगर तक अपना कब्जा जमा चुकी थी। अगर पाकिस्तानी अपने इरादों में कामयाब हो जाते तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ अलग हो। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि श्रीनगर पर अपने 50 जवानों के साथ तैनात थे भारत के वीर पुत्र मेजर सोमनाथ शर्मा। उन दिनों बाएं हाथ पर लगी चोट के कारण अस्पताल में थे मेजर सोमनाथ, पर जैसे ही उन्होंने कश्मीर में छिड़ी जंग की बात सुनी तुरंत ही अपने रेजिमेंट को ज्वाइन किया। अपने 55 जवानों के साथ 500 पाकिस्तानी घुसपैठियों को 6 घंटों से ज्यादा समय तक रोके रखा मेजर सोमनाथ शर्मा ने। देश के लिए वो अपनी आखिरी सांस तक लड़े। रेडियो पर भी आखिरी बार उनकी भाई से बात करते हुए उन्होंने कहा था, आखिरी गोली तक लड़ूंगा। ये बात भारतीय आर्मी की वीरता को दर्शाती है। एक हाथ से दुश्मनों का सामना करते हुए वो देश के लिए अपनी जान गवा बैठे और शहीदों में अपना नाम दर्ज किया। पर अपनी कोशिश में पूरी तरह सफल रहे थे वो। मेजर और उनके जवानों ने 300 से ज्यादा पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था। इस जंग में 28 भारतीयों ने अपनी जान कुर्बान की। इस अमर जज्बे के लिए शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा को स्वाधीन भारत का पहला परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये तो थी बात परम वीर सोमनाथ शर्मा की। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीर गाथा के दूसरे किस्से पर नजर डालते हैं। नवंबर की सर्द रातें, 17,000 फीट की ऊंचाई, काली घनी अंधेरी रात और इस बीच दुश्मन का हमला। ये बात है साल 1962 की, जब 2000 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने अचानक भारत पर हमला कर दिया था। परिस्थितियां जिनमें सांस लेना भी तकलीफ देह था, उस माहौल में भी चट्टान की तरह डटी रही भारतीय आर्मी। मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में पूरा एक दिन जंग चलता रहा। सीने पर गोली खाने के बावजूद लड़ते रहे हमारे जवान। आखिर में चीनी घुसपैठियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पर बेहद ही अफसोस की बात है कि इस जंग में मेजर शैतान सिंह के समेत 114 भारतीयों ने अपनी जान गंवाई। अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा का दृढ़ निश्चय का प्रतीक है ये किस्सा। साल 1965 जब पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के साथ अमृतसर को घेर कर अपना कब्जा जमाना चाहता, पर उसकी राह में फौलाद बनकर खड़े हुए भारतीय जवान, उनकी अगुवाई कर रहे थे वीर मेजर अब्दुल हबीब। उन्होंने अपनी आर्सेनल गनजड़ी जीप के साथ पाकिस्तान के कई टैंक्स समेत उनकी नापाक इरादों को भी मिट्टी में मिला दिया था। असंभव को संभव कर दिखाना हमारी आर्मी के लिए कोई नई बात नहीं थी, और इस जंग में हमारी जीत ने इसे साबित भी कर दिया। इसीलिए तो 1965 में हुई जंग में भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से विश्व भर में सुनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ और नजर डालते हैं भारत पाकिस्तान के बीच हुई सबसे बड़ी जंग पर, जिसमें भारतीय सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए जीत का परचम लहराया। आसमान से बम की बारिश, गोला बारूद से कांपती जमीन और गोलियों के आवाज से गूंजती जंग का मैदान, ये मंजर था साल 1999 के कारगिल युद्ध का। पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर पे कब्जा जमाने के लिए अपने नापाक इरादों के साथ जंग के मैदान पर उतर आया। 18,000 फीट की ऊंचाई, जान लेने वाली सर्दी, ना टेंट ना बंकर, पास था तो सिर्फ तिरंगे को बचाने की जोश और जुनून। इसी जुनून के साथ 2 लाख भारतीय सैन्य उतरे जंग के मैदान पर।
अंत में जीत हुई हमारे वीर जवानों की और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर एक बार फिर पानी फिर गया। ये जंग इंडियन आर्मी की इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी जंग थी, जिसमें 527 जवान शहीद हुए और 13,000 से ज्यादा घायल हुए। ये कहानियां हमें इंडियन आर्मी की वीरता का प्रदर्शन देती है और देश के लिए इस प्यार और जुनून को हम सलाम करते हैं। जय हिंद। हमारा आज का वीडियो हमारे देश के वीर जवानों को डेडिकेटेड है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।